हर कोई खुद को हैंडसम दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है हैंडसम दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अगर आप भी खुद को हैंडसम दिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स, अगर आप फॉलो करोगे तो कुछ टाइम बाद आपको भी हैंडसम लगने लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और मुझे पता है काफ़ी लोग ये सोचता है फेयर स्किन और शक्ल अच्छा होने से ही हैंडसम है, और अगर आपका स्किन काले है और अगर आपका शक्ल अच्छा नहीं है तो आप हैंडसम नहीं हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैंडसम देखने का मतलब ये है आप अपने आप को सामने वाला के सामने किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो आपको हैंडसम माना जाएगा, और अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है तो आप कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, आपका शक्ल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो भी आपको हैंडसम नहीं माना जाएगा। आई होप कि हैंडसम का सही मतलब आप जान गए हो। तो चलिए टिप्स का तरफ चलते हैं। टिप्स नंबर 1, हेयर। अगर आप अपने आपको हैंडसम दिखाना चाहते हैं तो आपको हेयर में ध्यान देना होगा, और हेयर से रिलेटेड है हेयर कट। मतलब आप किस तरह से हेयर कट करते हो उसका ऊपर भी डिपेंड करता है आपको कितना हैंडसम लगेगा। मतलब अगर आपका फेस छोटा है तो आपको लंबा बाल रखना होगा, अगर आपका फेस बड़ा है तो आपको छोटा बाल रखना होगा। मतलब आपको ध्यान रखना होगा आपका ओवरऑल बॉडी से आपका फेस ना ज़्यादा छोटा लगे ना ज़्यादा बड़ा लगे। मतलब हेयर कट का मदद से आप अपने फेस को छोटा बड़ा कर सकते हो, और आप अपने हेयर को इस तरह से फ्रेट कर सकते हो जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, क्योंकि इस तरह का हेयर स्टाइल काफ़ी टाइम से चल रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा। टिप्स नंबर 2, बियर्ड। अगर आपका फुल ग्रोथ बियर्ड है तो आप काफ़ी ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आप बियर्ड के मदद से आप अपने लुक को इन्हेंस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बियर्ड अच्छा से नहीं आता है, यानी कि अगर आपका पैची बियर्ड है, तो आपको क्लीन शेव करके रखना होगा, और साथ में आप ट्रिम करके स्टेबल लुक भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फुल ग्रोथ बियर्ड है तो आप उसको ग्रोन भी कर सकते हो, और आप चाहो तो आप उसको ट्रिम करके भी रख सकते हो। टिप्स नंबर 3, परफ्यूम। आपका शक्ल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपका बॉडी से बदबू आएगा तो आपको कभी भी हैंडसम ये आपको कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, और इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपका बॉडी से बदबू ना आए, और इसके लिए आपको रोज नहाना होगा जो आप ऑब्वियसली करते हो, लेकिन कहीं निकलने के वक्त डीओ या परफ्यूम जरूर यूज करना, और सिर्फ कहीं निकलने के वक्त ही नहीं, अगर आप घर में भी होते हो तो भी आप हल्का डीओ या परफ्यूम यूज कर सकते हो, ताकि आपका बॉडी से कभी भी बेड स्मेल ना आए। टिप्स नंबर 4, एक्सरसाइज। अगर आप अपने आपको हैंडसम दिखाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रोज़ जिम जाना होगा। जिम तो सबसे बेस्ट जगह है एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन आप किसी पर्सनल रीजन के वजह से, मतलब किसी भी रीजन के वजह से अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप घर में ही छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक पुल अप, पुश अप। एक्सरसाइज करने से हम लोग का बॉडी में हाई अमाउंट हार्मोन रिलीज होता है, और साथ में काफ़ी ज़्यादा पसीना भी निकलता है, और जिसके वजह से सारे टॉक्सिक चीज़ बाहर निकल जाता है, और हम लोग का बॉडी अच्छा से ऑक्सीजन भी ले सकता है, और जिसके वजह से हम लोग का स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अपने आपको हैंडसम दिखाना चाहते हैं तो ग्लोइंग स्किन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करने से ही आपका स्किन धीरे धीरे ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगा, और ऑब्वियसली आपको हैंडसम भी लगेगा। टिप्स नंबर 5, कॉन्फिडेंस। यही वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे प्रो टिप्स। वीडियो का शुरू में ही मैंने आपको बोला था हैंडसम का मतलब ये है आप अपने आप को दूसरों का सामने किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखने वाला बात ये है आप कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, आपको अच्छा से बात करना नहीं आता है, आप काइंड पर्सन नहीं हो, तो आपको कभी भी हैंडसम नहीं लगेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप खुद को सही में हैंडसम दिखाना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ आपका अंदर डेवलप करना होगा। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ों का कमी है, आप सही से बात नहीं कर पाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का कमी है, तो ये सारे चीज़ आपको ठीक करना होगा, एक एक करके सारे चीज़ को सॉर्ट आउट करना होगा, तो ही आप देखना धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों ही बढ़ जाएगा, और ऑब्वियसली आप हैंडसम भी लगोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।